साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महाराष्ट्र में सियासी घमासान, सियासी हंगामे बढ़ते जा रहे हैं और खास तौर पर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के एमवी के बीच में बवाल मचा हुआ है। अब नए मामले ने एक बार फिर से मुंबई में नया बवाल छेड़ दिया और इस बार तुच्छ संजय राउत को लेकर यह हंगामा हुआ है, जिस पर बोलना फिर से खुद संजय राउत को ही भारी पड़ गया, क्योंकि इस बार फिर से उद्धव ठाकरे ने तलब कर दिया, नई वाली नसीहत दे दी। हालांकि इस बार भारी भरकम ज्ञान से संजय राउत खुद भी परेशान हो गए, हैरान हो गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है तुच्छ संजय राउत की पूरी कहानी, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के लिए इन दिनों अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि विरोधी तो उन्हें बुरा भला कह ही रहे हैं, अपने भी हड़का रहे हैं, यहाँ तक कि सबसे करीबी माने जाने वाले उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। पिछले बार भी संजय राउत को हिदायत मिली थी कि गठबंधन के मामले में कुछ ना बोलें, कुछ ना कहें, और उद्धव ठाकरे ने खुद मीडिया में आकर कहा था कि संजय राउत की बातों पर भरोसा ना करें। अब मामला एक कदम आगे बढ़ गया, एक कदम और आगे चला गया है और इस बार मामला तुच्छ संजय राउत तक पहुंच गया है। असल में कहानी तब शुरू हुई जब महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो चुके एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और संजय राउत के बीच जुबानी जंग हुई। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने संजय राउत पर तीखा हमला कर दिया और संजय राउत को तुच्छ बोल दिया। अजीत पवार ने कहा कि तुच्छ संजय राउत की बात वो नहीं करेंगे, तुच्छ संजय राउत पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनकी बातों में, ना ही तुच्छ संजय राउत के कामों में। अब इस पर संजय राउत भड़के, खासे नाराज हो गए। संजय राउत ने अजीत पवार पर उल्टा तीखा हमला कर दिया और कह दिया कि जिन लोगों ने गद्दारी की है, जो लोग गद्दार हैं वो बात ना करें, जिन लोगों ने गुलामी स्वीकार की और बीजेपी के गुलाम बनकर काम कर रहे हैं वो लोग भी बात ना ही करें, और सीधे सीधे अजीत पवार को गुलाम कह दिया, गद्दार कह दिया। अब ये बात अजीत पवार को, उनके गुट को गलत लगती या फिर वहां से कोई विरोध होता, कोई प्रतिक्रिया आती, उससे पहले ही खुद उनके यानी कि संजय राउत के अपने ही एक्टिव हो गए, उद्धव ठाकरे एक्टिव हो गए और उद्धव ठाकरे ने इस बार संजय राउत की अच्छी वाली क्लास लगा दी। जी हां, ये हैरानी भरा मामला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार भी संजय राउत को तलब किया गया, संजय राउत को बुलाकर उद्धव ठाकरे की तरफ से फटकार मारी गई और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने यह भी बताया कि उन्हें तुच्छ कहा गया और इसीलिए जवाब में वो कुछ बोले, तो सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने उन्हें चुप रहने की सख्त हिदायत दी और ऐसे किसी भी उकसावे वाले बयान में ना आने, ऐसी किसी भी बयानबाजी को ना करने की नसीहत दी। असल में अंदर खाने उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार को भी लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं और शरद पवार के साथ वापस आ जाएंगे और एक साथ चुनाव भी लड़ेंगे, और इसीलिए अजीत पवार पर सीधे सीधे हमले से बचा जा रहा है। न तो शरद पवार गुट की तरफ से और न ही उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से अजीत पवार पर कोई सीधा हमला किया जाता है, कोई भी सीधी गलत बात नहीं बोली जाती है, लिहाजा इसीलिए उद्धव ठाकरे संजय राउत की हरकतों पर नाराज हो गए, क्योंकि ये पार्टी लाइन में अंदर से तय है। उसके बाद भी संजय राउत ने बयान दिया और अजीत पवार पर गलत कहा। अब उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को इस बार नसीहत दी है कि वो चुप रहे, मुंह ना खोलें, कम से कम अजीत पवार को तो कुछ ना कहें। अब तो कुल मिलाकर संजय राउत को बाल्टी भर के ज्ञान यहाँ से मिला है उद्धव ठाकरे के जरिए और चुपचाप राउत ने उसे सुन भी लिया। लेकिन अब आगे क्या संजय राउत चुप रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके मुंह पर बहुत दिनों तक चुप्पी साधे रखना या कहें कि उनके मुंह को बहुत दिनों तक बंद रखना नामुमकिन ही बात है, क्योंकि वो कब और कैसे अपने बयानों से अपनी पार्टी का, अपने नेता का नुकसान करा दें कोई कह नहीं सकता। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप किसकी तरफ है, कौन है सही, कौन है गलत, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।